तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियन ओवरसीज़ बैंक के स्टॉक के बारे में। इंडियन ओवरसीज़ बैंक के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है ये हमको पहले यहाँ पर लगातार डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा था। पहले हमको यहाँ पर स्टॉक में लोअर लो लोअर हाई वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा था, लेकिन फिर स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया जिसके बाद से अभी हमको जो ये स्टॉक है वो यहाँ पर लगातार ऐसे रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब अगर यहाँ पे स्टॉक अपने इस रेंज को ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक अच्छी वन साइडेड मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आज हमको यहाँ पे स्टॉक में 3.79% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें, यहाँ से अगर अभी स्टॉक में और तेज़ी आती है तो यहाँ से अभी और तेज़ी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 42.15 का पहला यहाँ पर रजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 46, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 50, और अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 55, इसके बाद हमको यहाँ पे स्टॉक में 60 और 65 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस। वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 40.05 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 39 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 37.10 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।